फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि HDFC नेट बैंकिंग का पासवर्ड कैसे रीसेट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज यादव, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल धीरज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने HDFC नेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल गए हैं और आप पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं और आपको पासवर्ड रीसेट करना नहीं आता, तो आप यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, मैं आपको क्रोम ब्राउजर के थ्रू पासवर्ड को रीसेट करना बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको अपने क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है HDFC नेट बैंकिंग या HDFC बैंक नेट बैंकिंग। आप इसमें से कोई भी साइट सर्च कर लेंगे। मैं यहाँ पे HDFC बैंक नेट बैंकिंग साइट को सर्च करूँगा। फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे अब सर्च बार में टाइप करते हैं HDFC बैंक नेट बैंकिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए साइट नीचे शो कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। HDFC बैंक नेट बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद HDFC बैंक की कई सारी साइट शो करेंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पहले साइट को ओपन कर लीजिएगा, वेलकम टू HDFC बैंक नेट बैंकिंग। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। वेलकम टू HDFC बैंक नेट बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी इंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कस्टमर आईडी को इंटर करते हैं। कस्टमर आईडी को इंटर करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, मैंने अपना कस्टमर आईडी को इंटर कर लिया। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे पासवर्ड नया बनाना है, तो नया पासवर्ड बनाने के लिए हमें यहाँ फॉरगेट पिन पे क्लिक करना है। तो चलिए फॉरगेट पिन पे क्लिक करते हैं। फॉरगेट पिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से हमें अपने कस्टमर आईडी को दोबारा इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए कस्टमर आईडी को इंटर करते हैं। कस्टमर आईडी को इंटर करने के बाद यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, मैंने अपना कस्टमर आईडी इंटर कर लिया। तो चलिए अब यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं। गो पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला है, आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेज के और अपने डेबिट कार्ड का डिटेल इंटर करके आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, उस OTP को आप इंटर करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों रजिस्टर्ड होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन मोबाइल नंबर और डेबिट कार्ड के थ्रू पासवर्ड को रीसेट करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा पहला ऑप्शन पहले से ही सेलेक्ट है। अब यहाँ नीचे सिक्योरिटी चेक में कुछ टेक्स्ट मिलेगा, उस टेक्स्ट को यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स, आप इस टेक्स्ट को इंटर कर लीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। अब ये मेरा टेक्स्ट इंटर हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने खाते में जो नंबर रजिस्टर्ड किए तो उस नंबर को यहाँ पे डाल के आप कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर लिया। अब मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए वो OTP को इंटर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ गया है, मैंने OTP इंटर भी कर लिया। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें अपने डेबिट कार्ड के नंबर पे क्लिक करना है। डेबिट कार्ड के नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड का नंबर शो कर रहा है। डेबिट कार्ड नंबर के नीचे आपको बॉक्स में आपका डेबिट कार्ड पिन एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक्सपायरी डेट को डालना है। एक्सपायरी डेट को डालने के बाद आपको सबसे नीचे में यहाँ दो बॉक्स मिलेगा, आप इस दोनों बॉक्स में आपको सेम पासवर्ड बना लेना है। फ्रेंड्स, आप जो पासवर्ड बनाना चाहते हैं उस पासवर्ड को आप यहाँ पे इंटर करके आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। पासवर्ड बनाते समय आप ध्यान रखिएगा कि आपका पिछला 3 पासवर्ड मैच नहीं करना चाहिए इस पासवर्ड से। फ्रेंड्स, आप पासवर्ड कम से कम 6 अक्षर का और ज़्यादा से ज़्यादा 15 अक्षर का बना सकते हैं। पासवर्ड में आप अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर तीनों का आप इस्तेमाल करके आप पासवर्ड को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि पासवर्ड को कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, मैंने पूरा डिटेल को फिल कर लिया है। अब यहाँ पे इसको सेव करने के लिए कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। यहाँ पे शो कर रहा है कि चेंज पासवर्ड कम्प्लीट, यानी आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स, आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आएगा कि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप अपने पासवर्ड को रीसेट या फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।